अब हम करेंगे अगली प्रॉब्लम। पिछले सवाल जैसा ही सिचुएशन है, एक कंटेनर है और इसमें 10 सेंटीमीटर की हाइट तक वाटर फिल्ड है। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया हुआ है। अपर सरफेस से 4 सेंटीमीटर की डेप्थ पर एक फिश है और सरफेस से 12 सेंटीमीटर की हाइट पर एक बर्ड है और ये लोअर सरफेस मिरर्ड है। हमको बताना है इमेजेस ऑफ बर्ड सीन बाय द फिश, ये फिश बर्ड की कितनी इमेजेस देखेगी। तो एक इमेज तो तब फॉर्म होगी जब ये फिश सीधे बर्ड को देखती है, और ये केस हमको सॉल्व करना आता है। तो पहले हम वो केस सॉल्व कर लेते हैं। केस वन, जब वो डायरेक्टली देखती है बर्ड को, तो ये इंटरफेस और वो फिश की पोजीशन, इंटरफेस से उसकी पोजीशन है 4 सेंटीमीटर हमको गिवन है, और ये मैंने वाटर बनाया हुआ है यानी 4/3 है। ये है फिश की लोकेशन और ये देख रही है इस बर्ड को जिसकी हाइट हमको दे रखी है 12 सेंटीमीटर के बराबर। अब जब ये फिश बर्ड को देखेगी तो रेस ट्रेवल करेंगी फ्रॉम बर्ड टू द फिश, मतलब इस तरह रेज जा रही होंगी फ्रॉम एयर इनटू वाटर, यानी हमारा म्यू वन कौन हो गया, वो हो गया एयर, यानी 1/μ2 इज 4/3 इज इक्वल टू h1, यानी इंटरफेस से इसकी पोजीशन वो होगी -12 क्योंकि इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और ये हो जाएगा v1 कह देते हैं इसे, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द इंटरफेस। इसको सॉल्व कर देते हैं तो v1 इज इक्वल टू, पहले रेसिप्रोकेट होगा 3/4, तो ये हो जाएगा -12 × 4/3 के बराबर, तो ये आ गया -16 सेंटीमीटर। तो एक तो इमेज इसकी यहां ना दिखकर बर्ड यहां दिखेगी, 12 नहीं 16 कहीं ऊपर दिखाई पड़ेगी, तो ये इमेज एक तो हो गई। दूसरा, आप जब ये फिश मिरर के थ्रू इसको देखेगी बर्ड को, मतलब वो मिरर में देखते हुए इसकी इमेज देख रही है, तब वो कहां फॉर्म होगी, उसके लिए हमको नया रे डायग्राम बनाना पड़ेगा, वो फिर से मैंने यहां बना रखा है। अब क्या हो रहा है, फिश मिरर में देख रही है बर्ड की इमेज, इसको ध्यान देंगे। तो ये तो वो इंटरफेस हो गया, और इंटरफेस से कितनी ऊपर बर्ड है वो है हमको गिवन है 12 सेंटीमीटर। इस इंटरफेस से 12 सेंटीमीटर ऊपर ये बर्ड, और इस बर्ड को हम बना लेंगे अब ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से रेज हम सेंड करेंगे मिरर की तरफ, क्योंकि मिरर में हमको उसकी इमेज फॉर्म करनी है, और वो इमेज वो फिश देख रही होती है। तो एक रे जो मैं ऐसी सेंड करूंगा, ये कैसे इसके ऊपर स्ट्राइक हो रही है, नॉर्मल, तो ये तो अनडिविएटेड चली जाएगी टूवर्ड्स मिरर, और मिरर पर आकर नॉर्मली स्ट्राइक करेगी। ये पहली मिरर, बर्ड को ऑब्जेक्ट मानते हुए ये पहली रे नॉर्मल, और ये नॉर्मल स्ट्राइक हुई। दूसरी ऑब्लिक रे लेकर चलते हैं इस तरह की, तो ये नॉर्मल हो जाएगा, और अब ये जा रही है फ्रॉम एयर इनटू वाटर। इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमको 4/3 दिया हुआ है, और ये भी दिया हुआ है कि ये डेप्थ 10 सेंटीमीटर है। तो ये नॉर्मल और ये जा रही है फ्रॉम एयर इनटू वाटर, तो इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, मतलब इस तरह से वो इस पाथ को ट्रेस करेगी। ये रिफ्रेक्टेड रे हो गई, और यहां से देखें यदि वाटर से, तो ये दोनों रेज कहीं यहां से आती हुई अपीयर होंगी, कहीं पीछे से आती हुई दिखाई देंगी, और यही काम हमने यहां किया था। बर्ड से हम वाटर में रे सेंड करते थे तो वो 12 नहीं 16 पर दिखाई देती थी। ये थी वो इमेज जो हमने यहां कंसिडर की है, जो सीधे वो देखती थी। आई वन की बात हो रही है, ये v1 जिसके लिए हमने लिखा हुआ है, और ये कितना आया था, तो इसकी हाइट आई थी 16 सेंटीमीटर के बराबर। अब इस मिरर को, ये जो लोअर्ड सरफेस है ये मिरर्ड सरफेस है, इस मिरर्ड सरफेस को रेज कहां से मिल रही है, भले ही वो चल रही है कहां से, बर्ड से, पर वो क्योंकि रिफ्रेक्शन हो जाता है तो ये रेज यहां से आती हुई अपीयर होती है, मतलब इस मिरर के लिए इसने करना है ऑब्जेक्ट का काम। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी, ये 10, ये 16, यानी 26 पर ऑब्जेक्ट है।
तो मिरर के पीछे 26 पर ही उसकी इमेज फॉर्म होगी। वो कैसे कि ये रे आकर ऐसी गिरी तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसी पाथ को फॉलो करेगी। और इस रे का क्या होगा, यहां रिफ्लेक्शन करवाना पड़ेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाकर इस तरह ये रिफ्लेक्ट होगी। तो ये दोनों हैं इंसिडेंट रेज मिरर के लिए और ये दोनों रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड रेज कहीं यहां से आती हुई अपीयर होंगी। तो यहां पर इमेज फॉर्म हो जाएगा, यानी मिरर के लिए इसने किया ऑब्जेक्ट का काम अभी हाल फिलहाल, और यहां उसकी इमेज बनी। और ये कितना होगा डिस्टेंस मिरर से, तो ये होगा 26 सेंटीमीटर के बराबर। अभी बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये रेज जब वापस आएंगी रिफ्लेक्ट होकर, तब रिफ्रेक्शन होना है फिर से इस सरफेस पर। और रे डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जा रही है फ्रॉम डेंसर इनटू रेयरर मीडियम, और इसलिए बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ये अवे चली गई ऐसी, और ये यहां से आती हुई अपियर होगी और यहां बनेगी फाइनल इमेज IF। ये फाइनल इमेज फॉर्म होगी जो मछली को इस मिरर में दिखाई पड़ेगी। तो अब इसको निकालने के लिए हम इस इंटरफेस पर काम करेंगे, फिर से वो फॉर्मूला लगाएंगे μ1 इंटरफेस पर टकराने के पहले मतलब 4/3 अपॉन μ2 मतलब एयर यानी 1 इज इक्वल टू इंटरफेस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, वो कितना है तो वो होगा 10 और ये 26 मतलब टोटल 36 अपॉन इसे y कह देते हैं, और ये चाहें तो आप माइनस साइन के साथ लिखें क्योंकि इंसिडेंट रे के ऑपोजिट है। तो ये 4/3 यानी y इज इक्वल टू हुआ माइनस साइन के साथ 36 इंटू 3/4, तो ये 9 यानी माइनस 27 सेंटीमीटर पर, कहां से इंटरफेस से 27 है मतलब ये डेप्थ ये है 27 सेंटीमीटर। और यदि वो फिश यहां से 4 सेंटीमीटर पर है, यहां कहीं है सपोज 4 सेंटीमीटर पर है, तो ये यदि 27 है तो 4 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे मतलब फिश से 23 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर उसको ये फाइनल इमेज इधर दिखाई पड़ेगा। तो वो दो इमेज इस तरह से देख पाती है, एक अपने से क्योंकि ये 4 है और वो 16 है, यानी अपने से 20 ऊपर और अपने से 23 सेंटीमीटर नीचे उसको दो इमेजेस दिखाई पड़ेंगी, और यही इस सवाल के आंसर्स हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओ प्लेस्ड बिफोर अ मिरर्ड रेक्टेंगुलर स्लैब एज शोन। तो ये है वो ग्लास स्लैब, उसकी थिकनेस है 6 सेंटीमीटर, इसके मटेरियल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 4/3, और ये सरफेस से फ्रंट सरफेस से 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हमको इसका इमेज बताना है, पोजीशन ऑफ इमेज। तो पहले हम रे डायग्राम से इसको समझते हैं, यहां से ये रे इंसिडेंट होगी इसके ऊपर पहली सरफेस पर, क्या होगा रिफ्रेक्शन, और क्योंकि ये पास हो रही है फ्रॉम अ रेयरर इनटू अ डेंसर मीडियम तो ये बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल और इस पाथ को फॉलो करेगी। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रेक्टेड रे, यहां आने पर क्या होगा, ये मिरर से इंटरैक्ट होगी और मिरर से इसका होगा रिफ्लेक्शन, इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी और यहां से आती हुई अपीयर होगी, यहां से आती हुई अपीयर होगी। तो फाइनली हुआ क्या, अभी इस सरफेस पर हुआ रिफ्रेक्शन। तो पहले हम सरफेस वन पर रिफ्रेक्शन करवा लेते हैं, सॉल्व करना भी चालू कर देते हैं सरफेस वन पर रिफ्रेक्शन, और रिफ्रेक्शन के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे हम μ1/μ2 इज इक्वल टू h1/h2 रिफ्रेक्शन ऑन सरफेस वन। ओ से हमने स्टार्ट की, रेज रिफ्रेक्ट करवा लिया इस सरफेस पर, तो सरफेस पे टकराने के पहले रेज हैं एयर में यानी वन, μ1 इज 1 अपॉन μ2 इज 4/3 μ1/μ2 इज इक्वल टू h1, यहां से इसकी डिस्टेंस है 6 तो माइनस 6 लेंगे अपॉन इसने कहां पर इमेज फॉर्म किया ये पता लग जाएगा, इसको v1 कह देते हैं, तो v1 वुड बी माइनस साइन के साथ 6 इंटू 4/3 यानी माइनस
एक सेंटीमीटर पर इमेज फॉर्म होगा। ये मैंने यहां शो कर रखा है, ये रे है इंसिडेंट रे, और ये इंसिडेंट रे इस तरह बेंड हुई टुवर्ड्स नॉर्मल और यहां से आती हुई अपियर होगी, ये यहां से। तो ये शो कर रखा है हमने आई वन, जो इमेज इस सरफेस की वजह से बना इस ऑब्जेक्ट का, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये होगी 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर माइनस 8 इसलिए आ रहा है क्योंकि वो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट मेजर होकर आया है, तो ये है 8 सेंटीमीटर। अब इस मिरर पर जो ये रे गिर रही है, इस मिरर के लिए इसने करना है ऑब्जेक्ट का काम, तो मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये 8 और ये 6, यहां से यहां तक ये है 6, ये है 8, 8 प्लस 6 यानी 14 सेंटीमीटर पर इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगी, ये करेगी इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम। और इसके ऊपर रेज इस तरह गिरेंगी, एक रे आप ऐसी भी ले जा सकते हैं नॉर्मल, वो अनडिविएटेड जाएगी सीधी, तो इस तरह ये रे गिरी है मिरर पर और रिफ्लेक्ट हुई है, तो यहां पर ये एमएच फॉर्म हो जाएगा। अब मिरर की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, मिरर के सामने जितनी दूर ऑब्जेक्ट होती है, मिरर के पीछे उतनी ही दूर उसकी इमेज बनती है। तो ये ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, तो अभी हमने किया था ये कैलकुलेट, 8 प्लस 6 14, यानी 14 सेंटीमीटर पीछे कहीं ये इमेज फॉर्म किया, इसका नाम रख देते हैं I2। ये किसने इमेज फॉर्म किया है, बाय द प्लेन मिरर। तो ये I2 इस तरह कैलकुलेट हो जाएगा। और अब वापस जब ये रेज यहां आएंगी, फिर से सरफेस वन पर इंटरैक्ट होंगी, तो फिर से रिफ्रेक्शन होगा इस रे का भी और इस रे का, ये तो अनडिविएटेड जाएगी और इसका रिफ्रेक्शन हो जाएगा, फ्रॉम डेंसर टू अ रेयरर इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये दोनों रेज कहीं यहां से आती हुई अपियर होंगी, तो यहां बन जाएगा हमारा फाइनल इमेज। तो हमको एक काम और करना है बस, वो ये कि सरफेस वन पर एक बार और रिफ्रेक्शन का फॉर्मूला करवाना है अगेन। तो एक बार होता है रिफ्रेक्शन ऑन सरफेस, मिरर्ड सरफेस कह सकते हैं, या इसका नाम आपने वन रखा, इसका नाम टू रख दो। तो ये काम हमने कहां किया था, पहला वाला ऑन सरफेस वन, फिर रिफ्लेक्शन करवाया एट सरफेस टू, तो उसका नतीजा क्या हुआ, V2 मिला हमको, V2 मतलब इमेज डिस्टेंस, ये मिल गया 14 सेंटीमीटर। तो ये तो प्लेन मिरर ने बनाई हुई इमेज है। अब मैं वापस सरफेस वन पर रिफ्रेक्शन का फॉर्मूला लगाऊंगा, अगेन रिफ्रेक्शन, रिफ्रेक्शन एट सरफेस वन, सरफेस वन पर फिर से रिफ्रेक्शन, और अब क्या करवाएंगे, अब सरफेस वन पर टकराने के पहले वो है लाइट रे 4/3 में, 4/3/1 लिखने की जरूरत नहीं, इज इक्वल टू इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो ये है ऑब्जेक्ट। अब ये 14 प्लस 6 करना पड़ेगा, यानी इस सरफेस से 20 सेंटीमीटर, क्योंकि मिरर के पीछे 14, यहां से 20, यानी यहां आएगा 20 और इंसिडेंट रे के ऑपोजिट, और ये फाइनल इमेज आप चाहो तो इसे V3 कह सकते हो, इसे I3 कह सकते हो, मैंने IF कहा हुआ है। तो अब V3 कितना हो जाएगा, तो V3 विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई करें 20 × 3/4, ये -15 सेंटीमीटर, कहां से, तो सरफेस 1 से 15 सेंटीमीटर यहां पर ये फाइनल इमेज फॉर्म होगा IF। तो ऑब्जेक्ट से कितनी दूर होगा, वो सरफेस 1 से 15 है, 15 प्लस ये 6 यानी 21 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट से फाइनल इमेज फॉर्म होगा, ये इसका आंसर है। अब करते हैं अगली प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द इमेज ऑफ सन फॉर द सेटअप शोन इन फिगर। इसको अच्छे से देखें, ये एक वेसल है जिसकी बॉटम मिररड है और यहां कहीं सन है उसके ठीक ऊपर, और यहीं कहीं ऑब्जर्वर है इसी लाइन के अलोंग कहीं पर, हमको बताना है सन की इमेज कहां पर फॉर्म होगी इस सेटअप के लिए। इसमें क्या भर रखा है, वाटर, किस हाइट तक, 20 सेंटीमीटर की हाइट तक, इस बॉटम से 20 सेंटीमीटर की हाइट तक वाटर फिलअप किया है। और ये क्या है, तो ये जो मिरर्ड सरफेस है ये कॉनकेव, अच्छा फिर से कर रहे हैं एक बार, अगली प्रॉब्लम कर
यहां से शुरू। अब अगली प्रॉब्लम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द इमेज ऑफ सन फॉर द सेटअप शोन इन फिगर। ये एक सेटअप, ये एक वेसल और इसका बॉटम ये सिल्वर्ड, यानी ये मिरर है। कैसा मिरर होगा ये? कॉनकेव मिरर, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, और ये उस मिरर का पोल होगा, और ये होगी उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, और इस वेसल में बॉटम से 20 सेंटीमीटर की हाइट तक वाटर फिल किया हुआ है, जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है 4/3, और प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक ऊपर यहां कहीं सन है, मतलब नॉर्मल इंसिडेंस हो रही है, इंसिडेंट हो रही है रेज इस सरफेस पर। यह है इंटरफेस, वाटर एयर इंटरफेस हो जाएगा, ये वाटर फिर एयर, और सन से इस तरह रेज इस पर इंसिडेंट हो रही है। हमको बताना है सन की इमेज कहां पर फॉर्म होगी, तो और देखा कहां से जा रहा है? देखा जा रहा है यहीं से, नॉर्मल ही देख रहे हैं उसे, नॉर्मल ऑब्जर्वेशन, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले क्या होगा, ये रेज जब इस पर गिरेंगी, इस इंटरफेस पर, प्लेन है ये सरफेस, और ये नॉर्मली स्ट्राइक हो रही है, तो अनडिविएटेड सीधे चलकर, पाथ से डिविएट ना होकर सीधे ये मिरर तक रीच हो जाएंगी, और मिरर पर गिर रही होंगी पैरेलल रेज। और कॉनकेव मिरर की ये प्रॉपर्टी है कि पैरेलल रेज यदि उस पर इंसिडेंट होंगी तो रिफ्लेक्शन होगा और उसकी इमेज फॉर्म हो जाएगी उसके फोकस पर। और यहां वाटर भर देने से इसकी फोकल लेंथ चेंज नहीं होती, रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं होता मिरर का, तो ये है इसका फोकस। और फोकस कहां पर होगा? तो क्योंकि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, और कर्व्ड मिरर्स में यानी स्फेरिकल मिरर्स में हम जानते हैं कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, यानी ये जो लेंथ है PF ये है 10 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, यहां पर इमेज फॉर्म होगी पहली, ये किसने बनाई? कर्व्ड मिरर ने, I1 कह देते हैं इसे, और फिर यहां से रेज डाइवर्ज होंगी और इस सरफेस पर गिरेंगी, और अब ये जा रही होंगी फ्रॉम वाटर इनटू एयर, तो क्या होगा, तो ये नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएंगी, ये एक रे और दूसरी रे ये रिफ्रेक्टेड रेज होंगी, ये दोनों इंसिडेंट रेज, ये रिफ्रेक्टेड रेज, और ये दोनों यहां मीट होती हुई अपीयर होंगी, तो यहां पर बन जाएगी फाइनल इमेज सन की, इसको आई कह देते हैं। और अब सिर्फ हमें इसके लिए काम करना है, अब ये हमारा फॉर्मूला वो ही अब काम आएगा, μ1/μ2 इक्वल्स टू h1/h2, ये फॉर्मूले से हम उसकी पोजीशन निकाल सकते हैं। अब रिफ्रेक्शन कहां से कहां हो रहा है? फ्रॉम वाटर इनटू एयर, यानी μ1 है 4/3, ये है 1, h1 मतलब इस इंटरफेस से उसकी पोजीशन, क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। इस कर्व्ड मिरर के लिए तो ये इमेज है, लोकेट हो गई है वो मिरर से 10, सरफेस से कितना होगा, क्योंकि ये गिवन है 20, दे 10 होगा, और ये इस इंटरफेस वाटर एयर इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो ऑब्जेक्ट होगी -10 पर, तो ये -10 डाल देंगे यहाँ, और इमेज हमको मिल जाएगी कहाँ पर है, जैसे हमने आई कहा है उसकी पोजीशन, यानी वी, बस ये सॉल्व कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -30/4 15/2 यानी -7.5 सेंटीमीटर, कहाँ से? सरफेस से, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट, मतलब हमको ये मिला है, यदि पॉइंट एन है तो ये एन आई हमको मिला है, यानी इमेज वाटर से, वाटर की जो सरफेस है उससे 7.5 सेंटीमीटर बिलो यहां पर फॉर्म होगी, और यही इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 18, लोकेट द इमेज ऑफ सन इन द सेटअप शोन इन फिगर। बिल्कुल वैसा ही सवाल है, फिर इसको करके देखते हैं। ये है सन, नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है, मतलब यहीं कहीं से देखा जा रहा है इसी डायरेक्शन से, तो ये रेस सन से आने वाली म्यूचुअली पैरेलल, ये आकर इंसिडेंट होंगी मिरर पर, यहाँ रिफ्रेक्शन नहीं होगा क्योंकि ये इस सरफेस पर नॉर्मल स्ट्राइक हो रही है, नॉर्मल जाने वाली रेस जो होती हैं 1 डिविएटेड स्ट्रेट चली जाती हैं, तो ये इस तरह से आकर यहाँ मिरर से टकराई, और ये क्या है, तो ये है कॉनकेव मिरर, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40, मतलब फोकल लेंथ इसकी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, फोकस इसका यहां से, ये इसका पोल बनेगा, पोल से
20 सेंटीमीटर पर कहीं इसका फोकस होगा। तो ये हो गया फोकस, ये पी एफ इज 20 सेंटीमीटर। और हमको मालूम है कि कॉनकेव मिरर पर जब रेज पैरेलल स्ट्राइक होती हैं तो वो फोकस पर कन्वर्ज हो जाती हैं, तो ये फोकस पर चली जाएंगी इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर और यहां रीच कर जाएंगी यदि मीडियम चेंज नहीं हो रहा होगा। इस तरह से चली जाएंगी, ये मैंने नॉर्मल्स ड्रॉ कर रखे हैं। ऐसा होगा रिफ्रैक्शन के बाद, यदि यहां एयर प्रेजेंट होती या पूरा वाटर होता ऊपर तक, क्योंकि वाटर से फोकल लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉनकेव मिरर या कॉनवेक्स मिरर, मिरर की फोकल लेंथ मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है। ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दी मैंने। अब होगा ये कि ये यहां इकट्ठी होती इसकी एब्सेंस में, इस इंटरफेस की एब्सेंस में, यदि ये मीडियम चेंज नहीं होता तब ये यहां फोकस होती। मतलब इंटरफेस के लिए इस पॉइंट ने काम किया है वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, इसके ऊपर गिर रही है कन्वर्जिंग सेट ऑफ रेज, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा इंटरफेस के लिए। और अभी हमने पता किया है कि पीएफ जो है वो है 20, और ये यदि 10 दिया हुआ है तो इंटरफेस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी इस इंटरफेस के लिए। और ये भर रखा है वाटर, जैसा पिछले सवाल में था, ये जो मीडियम है यहाँ प्रेजेंट ये है वाटर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। हम फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे, म्यू वन मतलब वाटर 4/3 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंटरफेस से, वो कितनी है 10। तो इमेज डिस्टेंस हमको मिल जाएगी, लेट अस कॉल इट वाई। तो वाई इज इक्वल टू हो गया 3 × 10/4 30/4 यानी 15/2 यानी 7.5 सेंटीमीटर, यानी इंटरफेस से पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में इंटरफेस से 7.5 सेंटीमीटर पर इमेज फॉर्म होगा। और रे डायग्राम बनाए तो ऐसा होगा कि ये रे यहां से चली है, ये क्या है वाटर, वाटर इनटू एयर जाते समय अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाना है, मतलब रेज यहां नहीं पहुंचेंगी, ये दोनों रेज फिर से यहां रिफ्रेक्ट होंगी और यहां बनेगा फाइनल इमेज जो यहां से सरफेस से कितनी दूर है 7.5, और पोल से पूछा होगा तो 10 और ऐड कर देंगे 17.5 हो जाएगा। ये सवाल का आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन 19। इन द फिगर शोन ओ इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये शो किया हुआ है पॉइंट ऑब्जेक्ट, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। सेटअप आपने देख लिया होगा, ये बॉटम सिल्वर्ड यानी कॉनकेव मिरर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40, इसमें वाटर फिल किया हुआ है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 4/3 किस हाइट तक 20 सेंटीमीटर तक, और ऑब्जेक्ट रखी है इस इंटरफेस से 7.5 सेंटीमीटर पर। अब होगा क्या, सबसे पहले यहां से रेज इंसिडेंट होंगी इस वाटर सरफेस पर, यानी हमको सबसे पहले यहां रिफ्रेक्शन करवाना है इस सरफेस पर, सबसे पहला काम प्लेन इंटरफेस पर रिफ्रेक्शन। तो म्यू वन ये एयर हो गया, म्यू टू वाटर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट की पोजीशन, वो -7.5 होगी, और इमेज कहाँ बनेगा, इसको I1 कह रहा हूं मैं, V1 भी कह सकते हैं, वो कहाँ बनेगा ये यहां से पता लगेगा। तो V1 इज इक्वल टू होगा -7.5 × 4/3 2.5 × 4 यानी 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर पर इसकी इमेज फॉर्म होगी। रे डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या होगा, ये रेज इस तरह बेंड होंगी, क्योंकि ये जा रही है कहां से कहां, रेयरर टू डेंसर, तो बेंड हो गई टूवर्ड्स नॉर्मल इस तरह, और ये वाली रे इस तरह, ये इंसिडेंट रेज हो गई। ये कहां से आती हुई अपीयर होंगी, यहां से, यानी जो प्लेन इंटरफेस है वाटर एयर इंटरफेस, इसने क्या किया, इसने इस ऑब्जेक्ट की इमेज को यहां बना दिया, कितने पर 10 सेंटीमीटर पर, ये है 7.5 और ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यहां से इंटरफेस से 10 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, ये पहला आंसर हो गया। अब मिरर को रेस कहां से मिल रही है, वो इस पॉइंट से मिल रही है, मतलब मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगी,
मिरर की फोकल लेंथ कितनी होगी, अब यहां पर मिरर पर रिफ्लेक्शन करवाएंगे। पहले हमने यहां करवाया था रिफ्रेक्शन, अब मिरर पर रिफ्लेक्शन, मिरर पर ये गिर रही है रेज और यहां से आती हुई हो आ रही है, यहां से आई से आ रही है, तो आई हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, ये हमको दिया है 20 और ये आया है 10, यानी इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको लेना पड़ेगा 30 के बराबर, वो भी इंसिडेंट रे के ऑपोजिट, मतलब यू लेंगे हम -30। ये किसके लिए, कर्व मिरर के लिए, -30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ होगी उसकी -20 सेंटीमीटर। और अब मिरर फॉर्मूला लगाकर इमेज की पोजीशन फाइंड करेंगे, तो 1/F = 1/V जो चाहिए, +1/U होता है, तो ये -1/30 हो जाएगा इस माइनस साइन की वजह से। इसको 60 से मल्टीप्लाई करें तो -3 = 60/V - 2, ये इधर आएगा -1, तो V हो गया -60 सेंटीमीटर। मतलब ये रेज लौटेंगी और हमको मालूम है ये कन्वर्जिंग टाइप का है, तो कन्वर्जिंग मतलब टूवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सेस, इस तरह ये रेज आएंगी वापस लौट कर, ये मैं कोशिश कर रहा हूं बनाने की, और यहां पर कन्वर्ज होंगी वापस प्रिंसिपल एक्सेस पर, कहां से, पोल से 60 सेंटीमीटर पर। लौटते समय फिर से एक बार यहां रिफ्रेक्शन होगा, तो हमको एक बार और यहां प्लेन सरफेस पर रिफ्रेक्शन करवाना होगा। अब रेस कहां से जा रही है, वाटर इंटू एयर, यानी 4/3/1, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो इंटरफेस से कितना, तो पोल से आया है 60, तो यहां से वो होगा 40 के बराबर, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में यानी सीधे 40 लेंगे और हमको मिल जाएगा, इसको हम V2 कह सकते थे, यदि यहां V1 कहा था तो ये V2 है, तो ये V3 कह देते हैं इसे, तो V3 = क्या होगा, हो जाएगा 40 × 3/4, यानी 30 सेंटीमीटर, +30 सेंटीमीटर, मतलब इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन में ही 30 सेंटीमीटर पर फाइनल इमेज फॉर्म होगा, ये इसका आंसर है। इस तरह हमने किया क्या है, इस ऑब्जेक्ट से चलाई हुई रेस का पहले यहां रिफ्रेक्शन, और जो इमेज बना वो इसके लिए, फिर ऑब्जेक्ट का काम यहां रिफ्लेक्शन सेकेंड टाइम, और फिर तीसरी बार वापस लौटते समय फिर से रिफ्रेक्शन, तो ये आ गई हमारे पास फाइनल इमेज की डिस्टेंस, कहां से, इंटरफेस से, इंटरफेस से आया है ये डिस्टेंस, पोल से चाहिए होगा तो उसमें 20 और ऐड कर देंगे, ये इसके आंसर्स हैं। अब अगली प्रॉब्लम करते हैं, पर इस प्रॉब्लम को करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमने ऐसा पढ़ा हुआ है कि जब एक टी थिकनेस और म्यू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाली स्लैब इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन में रख देते हैं, मतलब जैसे यहां पर ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को थ्रू द ग्लास स्लैब देखा जा रहा है, मतलब ये रेज यहां से आ रही है और दो बार रिफ्रेक्ट हो रही है, इस सरफेस पर फिर इस सरफेस पर, तो हमने पढ़ा था कि शिफ्ट आ जाता है, ये ऑब्जेक्ट खिसक जाती है, खिसक कर यहां पर महसूस होगी, ये होता है नॉर्मल शिफ्ट, और इसका फॉर्मूला ऐसा है, थिकनेस ऑफ द स्लैब इंटू 1 - 1/Refractive Index ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्लैब। तो ये सिंगल स्लैब है तो इतना शिफ्ट आ जाएगा, और कहां आता है ये, तो ये भी याद रखेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में ये शिफ्ट आता है, और मोर देन वन स्लैब्स रखी होंगी तो इसी फॉर्मूले से हम उसे भी निकालते हैं अलग अलग निकाल कर, T1 × 1 - 1/μ1 T2 × 1 - 1/μ2, ऐसा वो नेट शिफ्ट आ जाता है। इस पर बेस्ड है ये सवाल, क्या बोला है हमसे, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 42 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ये है वो कॉनकेव मिरर, उसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 42 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, ये ऑब्जेक्ट है, अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 6 सेंटीमीटर एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 3/2 एस्केप्ड बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉनकेव मिरर, फाइंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। ये स्लैब है, इसकी थिकनेस 6, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 3/2, और ये ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में रख दिया है, हमको बताना है फाइनल इमेज कहां फॉर्म हुआ, इमेज कहां पर बनेगी, तो इंसिडेंट रेज यहां से स्टार्ट करना है ऑब्जेक्ट से, इसको गिराना है सरफेस 1 पर, स्लैब की सरफेस 1 पर, क्या होगा, रिफ्रेक्शन,
टूवर्ड्स नॉर्मल, ये इस तरह जाएंगी और फिर से एक बार रिफ्रेक्शन होगा। और हमने पढ़ रखा है कि एमर्जेंट रे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से पैरेलल बाहर निकलती है और ये यहां से आती हुई अपीयर होगी, यहां से ये ऑब्जेक्ट होगी यहां पर, इधर से देखे जाने पर दूसरी साइड से ये यहां पर महसूस होगी, मतलब रेज यहां से आएंगी, आती हुई अपीयर होंगी ओ डैश से, और ये ओ ओ डैश ही है शिफ्ट, और ये शिफ्ट हुआ है इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में। तो शिफ्ट कितना होगा ये निकाल लेते हैं, एस, तो थिकनेस स्लैब की दी है 6, 1 माइनस 1 बाय म्यू, म्यू इज 3/2, तो 6 इंटू 1 माइनस 2 बाय 3 यानी 2 सेंटीमीटर का, क्योंकि ये सॉल्व करेंगे 1/3 आया, 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट आ जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट होगी यहां पर, रेज मिरर को जो मिलेंगी वो यहां से मिलेंगी शिफ्ट आने की वजह से। अब ये 2 सेंटीमीटर यदि खिसक गया है और ये था 42, मतलब इस मिरर को, अब स्लैब को हटा दें हम ये माने कि यहां ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है और वो मिरर से कितनी दूर होगी, तो वो मिरर से होगी 40 सेंटीमीटर पर, और इसकी फोकल लेंथ हमें मालूम है 20 सेंटीमीटर, और यदि ये पॉइंट मिरर के पोल से 40 सेंटीमीटर पर है इसका मतलब ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से की डायरेक्शन से आने वाली रे हमको मालूम है वो नॉर्मली स्ट्राइक होती है मिरर पर, यानी वापस लौट जाएगी, और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहती है कि यदि ये रे इस तरह आई थी, पाथ यदि हम रिवर्स कर दें तो सेम पाथ फॉलो करती हुई वो यहां आ जाएगी, मतलब जो फाइनल इमेज फॉर्म होगा वो ऑब्जेक्ट पर ही फॉर्म हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा, द इमेज विल फॉर्म एट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ये आंसर होगा। और यदि न्यूमेरिकली पूछा होगा तो हम बोलेंगे 42 सेंटीमीटर पर इमेज फॉर्म होगा, ये इसका आंसर हुआ। अगली प्रॉब्लम करते हैं 21, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 32 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ये कॉनकेव मिरर, इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर और इसके सामने 32 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फोकल लेंथ है 20, सेंटर ऑफ कर्वेचर 40, यानी ऑब्जेक्ट यहां रखा है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एट अ डिस्टेंस ऑफ 32, अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 6 सेंटीमीटर एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 3/2 इज केप्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, लोकेट द पोजिशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड। अब हम इसको रे डायग्राम के बगैर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जब रेज ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ जाएंगी, इस तरह से ट्रेवल कर रही होंगी रेज इससे स्लैब में से होती हुई, तो हमको मालूम है स्लैब से जाते समय उसमें आएगा शिफ्ट इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में, तो वो शिफ्ट कितना आएगा वो हम फाइंड करेंगे, एस बराबर इसकी थिकनेस स्लैब की 1-1 बाय उसके मटेरियल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, तो 3/2 2/3 यानी 1/3 होकर ये 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट आएगा, एस वन रेज इधर जा रही होंगी। अब जब रिफ्रेक्शन होगा तो ऑब्जेक्ट अब यहां नहीं होगी, शिफ्ट आने की वजह से इस मिरर पर जो रेज इंसिडेंट होंगी वो होंगी 30 सेंटीमीटर से, नॉट फ्रॉम 32, क्योंकि शिफ्ट आ गया है, इस तरह से बेंडिंग होगा इधर रेज का, और ये इस पर जब गिरेंगी तो वो ओ डैश से आती हुई अपीयर होंगी, 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम 30 लेंगे यदि मिरर के लिए हम काम कर रहे होंगे रिफ्लेक्शन का, तो u इज इक्वल टू होगा -30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर दिस मिरर, फोकल लेंथ -20 क्योंकि कॉनकेव है, और अब मिरर फॉर्मूला लगाकर जो इमेज फॉर्म होगा वो निकाल लेते हैं, -1/20 इज इक्वल टू 1/v -1/30, 60 का मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू 60/v -2 इधर आएगा -1 यानी v कम्स आउट टू बी -60 यानी इमेज फॉर्म होगा -60 पर, यदि ये रेस सीधे आकर प्रिंसिपल एक्सिस पर गिरेंगी तब इस तरफ, पर होगा ये कि जब ये रेस लौटेंगी तो लौटते समय इन्हें फिर से पास होना पड़ेगा इसी स्लैब से, तो एक बार और शिफ्ट आएगा, अब इंसिडेंट रेज इधर जा रही है इधर शिफ्ट आएगा, इसकी गैर मौजूदगी में वो बनता कहां पर इमेज 60 पर,
अब वो 2 सेंटीमीटर का फिर से शिफ्ट आएगा, इसलिए जो फाइनल इमेज बनेगा उसकी जो डिस्टेंस होगी वो होगी 60+2, यानी फाइनल इमेज फॉर्म होगी इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 62 सेंटीमीटर, जाते समय शिफ्ट, लौटते समय भी शिफ्ट। तो इसका आंसर 62 हमको देना चाहिए।